देखिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं जनाब। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम कहते हैं सोशल ऑर्डर, यानी कि सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन हुआ। वो क्या मेंटेन हुआ? ऑर्डर। सही। अब ऑर्डर का मतलब क्या है? स्टेबलाइज हो सोसाइटी, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है। जब हम ये बात करते हैं बेटा, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रखना है। हमने सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रखना। अब ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको हम कहते हैं सोशल कंट्रोल, यानी के कंट्रोल का डेवलप होना। क्या होना बेटा? कंट्रोल का डेवलप होना। अब अगर मैं बात करूं कंट्रोल के डेवलप होने का, अब क्या है कंट्रोल, क्या चीज होती है? बहुत सिंपल सी बात है। देखो, कंट्रोल का मतलब है इंकरेजमेंट टूवर्ड्स अ कंफॉर्मिस्ट बिहेवियर, इंकरेजमेंट टूवर्ड्स अ कंफॉर्मिटी, इंकरेजमेंट टूवर्ड्स अ कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? वॉट टू डू। क्या है बेटा? वॉट टू डू, क्या करना चाहिए। और सोशल कंट्रोल की दूसरी चीज होती है नॉन कंफॉर्मिटी, यानी कि आपको डिस्करेजमेंट टूवर्ड्स नॉन कंफॉर्मिटी, यानी कि वॉट नॉट टू डू, आपने क्या नहीं करना, आपने क्या नहीं करना। अब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सही है। एक्चुअल में दैट इज ऑल अबाउट सोशल कंट्रोल। सही है। दैट इज ऑल अबाउट सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है? द सिस्टम इज गोइंग टू अलाउ यू समथिंग, द सिस्टम इज गोइंग टू इनकरेज यू टू डू समथिंग, एंड द सिस्टम इज गोइंग टू डिस्करेज यू टू टू एक्ट समथिंग। ठीक है। यानी कि सिस्टम जो है कभी आपको किसी चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा है और किसी चीज़ के लिए सिस्टम आपको अपोज कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोल मैकेनिज्म। सही है। अब ये कंट्रोल का मैकेनिज्म एक्ट कैसे होता है? दैट इज ऑल अबाउट, दैट वॉज ऑल अबाउट वॉट, वॉट इज दिस? सही। ये क्या आ रहा है? या गया? शुक्र। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जनाब, तो अब सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म, सही है, ये इंप्लीमेंट कैसे कैसे होता है, एंड हु इज गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस मैकेनिज्म, यानी कि ये जो चीज़ है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ये करता कौन है? ये करता है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम कहते हैं बेटा एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। बहुत आसान से अल्फाज में बोलूं तो आपकी जितनी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होती हैं वही एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल भी होती हैं। सही है। अब इसमें दो तरह की एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल आती हैं, एक होती है फॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल और एक होती है इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल में क्या आता है? आपकी स्टेट जो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आपको मैनेज करती है। सही। स्टेट, आपका वर्क प्लेस, ये सारा फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल है। सही है। इनफॉर्मल में क्या आता है? जिनका कोई सिस्टम नहीं होता। देवर अब क्या है, जो कुछ कोई कोई फॉर्मल लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं काम कर रहे होते। सही है। जैसे कि फैमिली हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, ये क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर वर्क प्लेस ने आपको वर्क प्लेस से निकालना होगा तो उसके पास कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी बेसिस पे निकालेगा। स्टेट ने आपको इम्प्रिजन करना होगा तो किसी वजह से करेगा, सिस्टम के थ्रू करेगा। फ्रेंड सर्कल ने आपको चमाट मारना होगा, बगैर किसी वजह से मार सकता है। अम्मी किस चीज़ पर कितना गुस्सा करेंगी ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता। इनफॉर्मल एजेंसी है सोशल कंट्रोल। अब इनके पास ऐसा कौन सा जादू होता है, कौन सा हथियार होता है कि जिसके थ्रू ये सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं? कोई ना कोई जादू और हथियार तो होगा। अब वो क्या होता है? अब होता है रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस का मैकेनिज्म, रिवॉर्ड्स एंड
सेंक्शंस मैकेनिज्म। रिवॉर्ड्स एंड सेंक्शंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? रिवॉर्ड्स का मतलब है आपको क्या चीज रिटर्न में मिल रही है। सही है, यार ये मुझे अच्छा रिवॉर्ड, अगर अच्छा काम करोगे कन्फॉर्मिस्ट बिहेवियर एक्ट करोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं स्टेट की जाने से बोलूं तो स्टेट आपको मेडल्स देता है। सही है, ठीक है। अब क्या है सेंक्शंस? अब देखो सेंक्शंस का ना एक्चुअल अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की तरफ जाऊं तो सेंक्शन इज ऑल अबाउट एक्शन। सही है, अगर कभी रिवॉर्ड का टर्म यूज ना हो तो तुम इसको पॉजिटिव सेंक्शन और नेगेटिव सेंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। पॉजिटिव सेंक्शन इज ऑल अबाउट द रिवॉर्ड्स, नेगेटिव सेंक्शन इज ऑल अबाउट द पनिशमेंट्स। सही है, अब रिवॉर्ड्स में मेडल्स आ गया। सही है, नेगेटिव पनिशमेंट्स में क्या आ गया? लेट्स सपोज अगर आपको कोई एंगेज शो करे, इनफॉर्मल एजेंसीज करती हैं, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं पनिशमेंट में, नेगेटिव सेंक्शन में ही आती है। क्या मजाक है यार इसका मेरे साथ। एक टर्म होती है उसको कहते हैं ऑस्ट्रैटिसिज्म, ऑस्ट्रैटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से बाहर निकाल दें। नॉर्मली ऑस्ट्रोसाइज पीर ग्रुप वगैरह भी ऑस्ट्रोसाइजम को फॉलो करते हैं, यानी कि क्या करते हैं किसी बंदे को अगर कोई बंदा पसंद नहीं होता तो उसको हम निकाल देते हैं अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह से। तो क्या होता है, अब क्या है आपका सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? हाउ, सही है, हाउ दे आर, हु इज डायरेक्टिंग। सही, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश एनी सोशल ऑर्डर, एक क्वेश्चन लाजमी इसके साथ कीजिएगा, एक्सप्लेन हाउ सोशल कंट्रोल इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश विद इन द सोसाइटी। सही है, एक्सप्लेन हाउ सोशल कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश होता है? रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस के मेरे, इसका कई मरतबा सवाल आ चुका है कि एक्सप्लेन टू डिस्क्राइब टू रिवॉर्ड्स, डिस्क्राइब टू पॉजिटिव सैंक्शंस और नेगेटिव सैंक्शंस, इसका कई मरतबा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब टू एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टू फॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, टू इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, ये कई मरतबा अपेरेंट टॉपिक्स में से आता है। ठीक है, अब क्या होता है इसकी एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल क्या है? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन भी डेवलप हो जाएंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन और एजेंसी सोशल कंट्रोल, बात एक ही है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। कोई मसला बेटा यहाँ तक क्लियर होगी बात? इसको कॉपी कीजिए प्लीज़।